दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर डिडवी टिकर हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का शहडोल में से हुई मरीजों की मौतों को लेकर बयान। ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई मौत, क्रिटिकल कंडीशन में थे मरीज, मामले की होगी जांच। भोपाल में किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं, झूठ बोलने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस के नेता सिर्फ बयानवीर बनकर व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर कोई विवाद नहीं। हमीदिया से चोरी हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले की जांच तेजी से चल रही है। पूरे प्रदेश के कोविड सेंटर्स में कोरोना वॉरियर्स पर बनी फिल्में मरीजों को दिखाई जाएंगी ताकि मरीजों का मनोबल बढ़े और ठीक होने के बाद समाज को जागरूक कर सकें। वहां के प्रशासन से और डीन से हमारी बात हुई, उनका कहना है ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जो भी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन के मरीज थे। वैसे किसी की भी मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु वहाँ के प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि अभी भी वहाँ पर वेंटिलेटर पर पेशेंट हैं। यदि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु होती तो बाकी जो वेंटिलेटर हैं उनकी भी तबीयत बिगड़ सकती थी, क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और तो भी क्योंकि ये मामला आया तो इसकी जांच करवाई जाएगी। आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई? मैंने बताया ना, प्रशासन से बात हुई। सर, भोपाल के भी कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की बात सामने आ रही है। आज भी एक आयुष्मान हॉस्पिटल में मरीजों की, परंतु जांच ठीक दिशा में चल रही है। जांच पूरी नहीं होगी और तथ्य सब तक सामने नहीं आएंगे तो कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है, परंतु ऐसी उम्मीद है कि हम इसकी पूरी तह तक पहुंच जाएंगे। सर, कोरोना वॉरियर्स को जो कोरोना को हराने वाले जो लोग हैं उन पर आधारित फिल्में दिखाई जाएंगी, कोरोना जिन्होंने हरा दिया है, कोरोना की लड़ाई को जीत चुके हैं, उन पर मूवीज बनाई गई हैं प्रशासन की, उसको दिखाया जाएंगे ताकि लोग जल्दी से जल्दी कोरोना का जो डर है उस पर काबू पा सकें। जी, ये जो कोरोना के CCC में जो एडमिट पेशेंट्स हैं उनको मानसिक रूप से वो ठीक ढंग से खड़े हो सकें, उसके लिए उन्हें जब वो एडमिट रहेंगे तो उनको हौसला अफजाई के लिए फिल्म दिखाकर उनकी हौसला अफजाई करवाई जाए। हो गया बंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूँ। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।